अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं अकबर रोड में मौजूद हूँ SM ऑटोज़ के ऊपर। ये हमारे शुजा भाई काफ़ी अरसे से यहाँ पे मोटरसाइकिल्स का काम कर रहे हैं, तो शुजा भाई से पूछते हैं उनके हाल अहवाल। शुजा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। तो शुजा भाई कब से आप इस काम में हैं? तकरीबन 32 साल हो गए। अच्छा, 32 साल से आप ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो अभी इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन है सर? मार्केट की भाई कोरोना की वजह से थोड़ी सी स्लो है मार्केट, क्योंकि थ्रू आउट कोरोना चल रहा है, अदरवाइज बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, काम कर रहे हैं आपके टाइम से दुकान खोलते हैं। तो मतलब बाइक का काम तो कराची में ख़त्म ही नहीं हो सकता, मेरा तो ये ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? कैसे ख़त्म होगा? पहले बाइकें कराची में आती हैं तो भी पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये कराची की ट्रेडिशनल सवारी भी है ना, लोग 5-5 बच्चे लेके भी घूम रहे होते हैं बाइकों पे, आपको आपने देखा ही है सोशल मीडिया पे। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि 4-4, 5-5 बच्चे जिनके बेचारों के हैं वो क्या करें, गाड़ी तो है नहीं उनके पास, तो कहते हैं भाई मोटरसाइकिल पर जाएंगे आएंगे, उसी पर जाना आना करेंगे, वो बेचारे लेके सफ़र करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, ये जो स्कूटीज़ आ रही हैं ख़वातीन के हवाले से, इस बारे में आप कुछ अपनी राय दें कि क्या कैसी हैं ये ख़वातीन के लिए, कि क्या यूज़ करना चाहिए? स्कूटी बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए, दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ लेडीज़ बाइक चलाती हैं और उनका हक है कि चलाएं, वो स्कूटी बेहतर है। बस ये कि यहाँ चाइना की आती है तो वो बेचारी अभी जो है यूज़ टू नहीं है, कि वो ख़राब हो जाए तो बेचारी परेशान होती है रोड पर, तो जब यूज़ टू हो जाएंगी वो समझ जाएंगी कि इसको करना क्या है, तो खुल जाके बेहतर हो जाएगा काम। तो ये इकोनॉमिकल भी पड़ेगी उनको, कोई फ़ायदा भी होगा इकोनॉमिकली? फ़ायदा तो देखो, बात ये है कि रहा है वो नई गाड़ी लेती हैं तो डेविटेशन होता है ना, कि रुपए की चीज़ जो है वो बारहने की भी नहीं। ख़वातीन का देखें ट्रेडिशनल जो सवारी हो तो रक्षा है ना, और वो कितना कितना किराया ले रहे हैं, आप खुद सोचो, उस हवाले से उनको कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, जो है वो 1 लीटर के अंदर जो है 100 रुपये का 118 रुपये का पेट्रोल डलाएंगी और बेहतरीन रिस्क है उनके लिए और बेहतर है, टाइम भी बचेगा उनका, फिर अब सेफ होकर चलाएंगी, खुद चला रही है तो है वो रोड को देख के चलेंगी, और रक्षा लोग इतना थोड़ी धड़ाम धड़ुम बेचारी परेशान होती है, फ़ायदा क्या? अच्छा ये बताएं कि कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स का क्या फ्यूचर है, कुछ आपको नज़र आता है इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से? वो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, और इलेक्ट्रिक वैसे ही नहीं है पाकिस्तान में, बिजली तो है नहीं, तो कैसे चलेंगी वो, हम तो नहीं समझते कि अभी फ़िलहाल चले, जब निज़ाम सही होगा फिर देखेंगे, फिलहाल तो ये पेट्रोल पे चलेंगी भाई गाड़ियाँ, यानी पेट्रोल जिंदाबाद, पेट्रोल की मार्केट पाकिस्तान में भी रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शुजा भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।